₹25 की रोटी है, अब वो सिर्फ और सिर्फ ₹10 में यहाँ पे फराम की जा रही है। इसको मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि यार मदद कर रहे हैं लोगों की। अब ₹30 की रोटी के मुकाबले में अगर ये ₹10 की रोटी मिल रही है तो हमें ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे। और जो हम आटा यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का, इसमें कोई लोकल आटा नहीं है। देखें ये सनब्रिज के आटा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ रखा हुआ, तो ये ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। मैं इस वक्त कराची के इलाके मलीर लियाकत मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर यूथ यूनिटी की जानिब से इस रमज़ान आवाम की सहूलत के लिए जो ₹25 की रोटी है वो सिर्फ और सिर्फ ₹10 में यहाँ पे फराम की जा रही है। सस्ती रोटी प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे आगाज़ किया गया है। जैसा कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि तंदूर जो है वो इस वक्त जो है वो चल चुका है, रोटियाँ बन रही हैं। तो आइए आपको इस रोटी का मेयार भी दिखाते हैं और यहाँ पर जो मौजूद अवामुन्नास है उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं कि उनको ये पैकेज कैसा लगा। तो आइए हमारे साथ। सर बताइएगा कि ₹25 की रोटी सिर्फ और सिर्फ ₹10 में फराम की जा रही है, कैसे देखते हैं इस अमल को? यार मेरे हिसाब से तो ये बड़ा यूनिक टाइप का कोई ऐसा, मैं तो अभी गुजरा था यहाँ से तो बोर्ड लगा हुआ देखा कि ₹10 की रोटी वैसे नहीं है, कहीं भी नहीं है। मिनिमम भी जो अगर मिल रही है ना किसी भी होटल में वो ₹20 की मिल रही है। इसको मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि यार मदद कर रहे हैं लोगों की। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ये तो खैर बता रहे, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ ₹30 की रोटी मिल रही है। अब ₹30 की रोटी के मुकाबले में अगर ये ₹10 की रोटी मिल रही है तो हमें ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे और बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान में ये अच्छा वो दे रहे हैं बेनिफिट, अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। सर रोटी का साइज़ देख के बताइए कि रोटी का साइज़ कहीं छोटा तो नहीं है ये बताइए। नहीं रोटी का साइज़ तो बिल्कुल ओके है, बल्कि जो पहले ये नवाब होटल में मिलती थी ना उससे थोड़ी सी बड़ी है, उसका पेड़ा इन्होंने बड़ा किया है। वैसे जहाँ हुक्मरान नहीं सोच रहे हैं, हुक्मरानों का काम वो लोग ये लोग कर रहे हैं तो ये काबिल तहसीन है और दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हर अमल में कामयाबी अता फरमाए। जी तो इस वक्त मेरे साथ वक्कास साहब मौजूद हैं जो कि यूथ यूनिटी वेलफेयर के चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा पैकेज जो है वो अवामुन्नास के लिए जो है वो यहाँ पे दिया। हमें ये बताइए कि आपने जो ये माशाल्लाह से पैकेज लोगों को फराम कर रहे हैं इसमें रोटी का मेयार कैसा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में मामला ये है कि पूरी अगर देखा जाए कराची में तो इस वक्त तमाम ही होटलों पर जो है 120 ग्राम की रोटी दी जा रही है ₹25 की। वो जो रोटी वो दे रहे हैं वो 120 ग्राम की है और हम 130 ग्राम की रोटी बना रहे हैं और वो ₹10 में फराम कर रहे हैं आवाम को। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम आटा यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का, इसमें कोई लोकल आटा नहीं है। देखें ये सनब्रिज के आटा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ रखा हुआ, तो ये ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह गैस की लोड शेडिंग से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आवाम को जो सहूलत हम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताएँ कि इसकी टाइमिंग क्या होगी और ये कब तक जो है वो लगा रहेगा? ये इंशाल्लाह फैजान भाई अब असर के बाद से शुरू हुआ करेगा और उसके बाद से जब तक होटल खुला हुआ है जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये समझ लें कि अफ्तार के लिए भी आवाम को रोटी मिलेगी, सहरी के लिए भी आवाम को रोटी मिलेगी। ये बहुत शुक्रिया आपकी इस काविश को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बहुत शुक्रिया।